हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOEGN सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 25 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है, डेट है इसकी 23 दिसंबर। तो आज का हमारा टॉपिक है फेयर प्ले। तो बेटा ये लेसन जो है पिछले 3-4 वर्कशीट से चल रहा है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट्स में क्या पढ़ा है कि जुम्मन और अलगू दो फ्रेंड्स हैं, बहुत उनकी गहरी मित्रता है। तो लेकिन जो जुम्मन है, जुम्मन की एक आंट है जो अकेले रहती हैं और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है जो उन्होंने जुम्मन के नाम कर दिए इस बिहाफ पे कि जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। तो कुछ टाइम तक तो जुम्मन और उसकी वाइफ अच्छे से रखते हैं उसे, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं करते, उसको बात बात पे ताने मारते हैं। तो जुम्मन की आंट सोचती है कि ये इस केस को पंचायत में लेके जाएँ, तो वो पंचायत में इस केस को रेफ़र कर देती है। अब आगे पढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको स्टोरी पढ़नी है और उसके ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स करने हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है किसके थ्रू? अलगू करता है और जो दूसरे पंच होते हैं ना उनके थ्रू। क्या कहते हैं? वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। तो अलगू कहता है कि हमने मैटर को अच्छे तरीके से देखा। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। और हमारे ओपिनियन से, हमारे विचार से जुम्मन को अपनी आंट को हर महीने का अलाउंस देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसे जुम्मन को आंट की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो दोनों दोस्त थे जुम्मन और अलगू, देखो अलगू ने तो फैसला दे दिया कि भाई आंट को या तो प्रॉपर्टी वापस करो या उनको हर महीने का कुछ अलाउंस दो। तो जो जुम्मन है वो और उन अलगू, वो दोनों फ्रेंड्स को अब कभी कभार ही देखने में, मतलब साथ देखने को कभी कभार ही मिलते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो उनकी गहरी दोस्ती का बॉन्ड था वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और जो जुम्मन है वो अलगू का दुश्मन बन गया और वो उससे बदला लेना चाहता था। क्यों लेना चाहता था? क्योंकि अलगू ने उसके खिलाफ बताया, मतलब वो आंसर दिया था, उसके खिलाफ बोला था, ठीक है ना, उसके खिलाफ फैसला दिया था कि भैया तो तुम आंट की प्रॉपर्टी वापस करो या फिर उनको हर महीने का वो दो। तो इस वजह से जो जुम्मन है वो उसे अपना दुश्मन समझने लगा। किसको? अलगू को, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। Who was cross examined? जुम्मन। Who cross examined जुम्मन? जुम्मन को cross examine किसने किया था? अलगू एंड अदर्स, द ओल्ड आंट एंड अदर्स। तो आंट ने किया था या अलगू और दूसरों ने किया था? तो अलगू एंड अदर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, अलगू एंड अदर्स। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वट वॉज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का क्या डिसीजन था? क्या डिसीजन था? कि या तो हर महीने वो दे अलाउंस दे या फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस करें। तो जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। दूसरा ऑप्शन है कि जुम्मन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। आगे है, अब यहाँ देखिए क्या होता है। हमने देखा उन दोनों की दोस्ती लगभग टूटी गई है। तो डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। दिन बीतते गए, जो अलगू चौधरी है उसका एक तरीके से बुरा समय चलना शुरू हो गया और वो बहुत टाइट स्पॉट, मतलब बुरी कंडीशन में फंस गया, मतलब बहुत फिनेंशली जिसे कह सकते हैं वो फेस कर रहा था, क्राइसिस फेस कर रहा था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइट। उसका एक बुलक का पेयर, जो बैलों का जोड़ा है, उनमें से एक बैल वो मर जाता है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो दूसरा बैल था, देखो दो, एक बैल का जोड़ा था जिसमें से एक मर गया और जो एक बैल बचा उसने वो किसे बेच दिया? समझू साहू को बेच दिया, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। और समझू साहू कौन था? कार ड्राइवर था, मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला था, ठीक है, गांव में बैलगाड़ी चलाने वाला था समझू साहू। उसे अपना एक बैल किसने, किसे बेच दिया? समझू साहू को बेच दिया। किसने? अलगू चौधरी ने। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बलक इन अ मंथ्स टाइम। और उनके बीच में ये समझौता हुआ कि जो उसने बैल बेचा है समझू साहू को, तो वो क्या कहते हैं, समझू साहू से पैसे दे देगा, ठीक है, एक मतलब महीने के टाइम, मतलब एक महीने के बाद वो उसे पैसे दे देगा। इट सो हैपेंड
दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और हुआ क्या, पैसे तो उसे एक महीने बाद देने थे समझू साहू को, लेकिन एक महीने के अंदर वो बैल मर गया। क्यों मर गया था बेटा? वो उसकी ढंग से देखभाल नहीं करता था। ये हमने इसे यहाँ हमें स्टोरी में दिया नहीं है, बाकी आप जब लेसन की स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आगे है, सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही डिडेंट गेट पेड, बट साहू गॉट वेरी अनॉयड। अब क्या हुआ, काफ़ी महीने बीत गए जब बैल मर गया था, उसके भी काफ़ी महीने बाद अलगू ने समझू साहू को याद दिलाया कि तुम्हें मेरे पैसे देने थे और उसने तुमने अभी तक दिए नहीं हैं। लेकिन जो साहू था वो और बल्कि उस पर गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया कि भाई एक तो तुम्हारा मैंने वो जो बुलक था वो लिया, बैल लिया और वो मर गया, और मतलब काफ़ी कुछ कहा था, वो भी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह हुआ। अब आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। What problems did अलगू experience? अलगू को क्या मतलब अलगू क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? वन ऑफ his pair ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड इन विद इन अ मंथ। मतलब याद, उसका जो एक पेयर था बुलक का, वो एक उसमें से बैल जो है वो मर गया था और दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया था, ठीक है, जो कि एक महीने के अंदर मर गया था। और दूसरा ही फेल सिक, वो बीमार पड़ गया था। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू एंड दैट डाइड इन अ मंथ। नेक्स्ट डे हुआ समझू साहू। समझू साहू कौन था? वॉशरमैन, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो समझू साहू क्या था? एक कार ड्राइवर था, मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला, ठीक है, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे है, आई कैन पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट पीस यू सोल्ड मी। अब ये जो है ये समझू साहू है। समझू साहू अलगू चौधरी को कहता है कि मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा इस मनहूस जानवर के लिए। रेस्ट बीस, बीस मतलब मनहूस जानवर जो तुमने मुझे बेचा है। ही बॉट अस नथिंग बट राइन, उसने हमें कुछ नहीं दिया सिर्फ तबाही के। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम मेरे पास जो बैल है तुम इसको ले जाओ, इस्तेमाल करो एक महीने तक और मुझे वापस कर दो। बट नो मनी फॉर द योर डेड बुलक, पर कोई पैसा नहीं है तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए। अब देखो, समझू साहू के मन में वो आगे लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा बैल तो मर गया, मेरे पास एक बैल है तुम उसे एक महीना इस्तेमाल करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा एक बैल एक महीना इस्तेमाल किया था, उसको इस्तेमाल करो और मुझे वापस कर दो। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग ऑफ पंचायत वर मेड। अब क्या हुआ, अलगू ने सोचा ये केस को हमें किसको रेफर कर दूँ, पंचायत को रेफर कर दूँ। अब कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत लगी और उसकी पंचायत की तैयारी होने लगी। एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों ही पार्टी समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों ही लोगों से बात करने लगे गांव में ताकि वो उनको जो है उनका सपोर्ट मिले। अब क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेजेज। अब देखो यहाँ पे क्या राइन वर्ड यहाँ पे आया है ना, राइन, ठीक है। राइन का मतलब डिस्ट्रॉय, डैमेज या इम्पॉर्टेंट। तो हमने पढ़ा था सब कुछ तबाह कर दिया, यानी कि इसका आंसर हो गया राइन का डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए, डिस्ट्रॉय। टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट मतलब क्या होता है बेटा? डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन या मॉर्निंग। तो इसका आंसर आएगा डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट स्पॉट मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा इसकी पूरी स्टोरी मैंने अपलोड कर रखी है, इसकी एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसमें पूरी एक स्टोरी मैंने लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन की है। साथ ही एक सेपरेट इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी एक वीडियो बनी हुई है। अगर आपको उसको देखना है तो आपको वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट टाइप का मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।